तो हम सब लोग मुंबई गलीज का कुछ टाइम से वेट कर रहे हैं और इसके लिए एक्साइटमेंट भी बहुत ही ज्यादा है। आफ्टर ऑल हमें एक ऐसा ओपन वर्ल्ड क्राइम गेम देखने को मिलेगा जिसमें एक मुंबई बेस्ड मैप होगा, सब कुछ इंडियन लाइफस्टाइल वाला होगा, तो उसको खेलने की भी अलग ही फील आएगी। मुंबई गलीज की डेवलपर कंपनी गेम यॉन स्टूडियोज के सीईओ निखिल मालंकर हमें इस गेम से रिलेटेड काफी इन्फोज और अपडेट्स देते रहते हैं, बट स्टिल गेम के रिलीज से पहले हमें और भी बहुत कुछ इन्फो मिलने वाली है। आज मैं आपको गेम के बारे में वो सब कुछ बताने वाला हूं जो हमें अभी तक पता है, और ये सारी डिटेल्स गेम यॉन स्टूडियोज के सीईओ ने खुद अपने यूट्यूब ऑडियंस के साथ शेयर की है। तो चलो यार अब उन सब डिटेल्स के बारे में जानते हैं। एंड मैं हूं लेजी असैसिन, आप देख रहे हो गेम्स गॉसिप, जहां आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। आज का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स, आई होप आप करवा दोगे। एंड अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेम कितना बना है, इससे काफी लोग आइडिया लगा लेते हैं कि गेम कब रिलीज होगा, तो रिलीज टाइमलाइन की आगे बात करेंगे। बट फिलहाल गेम का प्रोडक्शन ऑन ट्रैक है, मतलब जैसा गेम की डेवलपमेंट टीम एक्सपेक्ट कर रही है वैसा ही सब कुछ चल रहा है, और ये एक अच्छी बात भी है। गेम के रिलीज में डिले किसी को भी पसंद नहीं है। फिलहाल गेम के ऑडियो फ्रेमवर्क में काम चल रहा है, जिसके लिए गेम यॉन स्टूडियोज ने एक डेडिकेटेड ऑडियो टीम भी बनाई है। मतलब गेम में ऑडियो से रिलेटेड कुछ भी फीचर बढ़िया होने वाला है, और गेम में रेडियो स्टेशन भी होंगे, और इसके लिए भी रेडियो सॉन्ग्स का सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन सब चल रहा है। गेम के लिए करेक्टर वॉइस ओवर से काम भी शुरू होने वाला है, जिसके लिए ऑडिशन होंगे। गेम की स्टोरी लाइन थीम भी रिवील हो गई है। गेम का प्लॉट एक करेक्टर के अराउंड रिवॉल्व होगा, और उसकी स्टोरी बेसिकली रैक्स टू रिचेस टाइप में रन करेगी। इन सब के बीच में उस करेक्टर को डार्क पाथ भी चूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टोरी में उस करेक्टर के अराउंड कुछ स्ट्रेटजीज भी होंगी। स्टोरी प्लॉट सुनने में तो अमेजिंग लग रहा है। फिलहाल स्टोरी कंपैरिजन में इसमें मुझे थोड़ी GTA 4 वाली वाइब आ रही है, बट सिंस ये काफी अलग गेम होगा और मुंबई बेस्ड स्टोरी लाइन होगी, तो ऑफ कोर्स इसकी स्टोरी भी अलग ही होगी। गेम की स्टोरी लाइन भी फाइनल हो गई है, और फिलहाल उस स्टोरी के लिए मिशंस डिजाइन किए जा रहे हैं। मुंबई काफी वाइब्रेंट सिटी है, और उसके हिसाब से इसके करेक्टर्स भी काफी वाइब्रेंट होने वाले हैं, ऑल्दो इनकी स्टोरी एक दूसरे से काफी अलग हो सकती है। गेम के कुछ करेक्टर्स की कंसेप्ट आर्ट्स भी कुछ टाइम पहले रिवील करी गई थी। इस गेम में आपको यूनिक करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट आर्ट्स देखने में तो अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो कि इन करेक्टर्स की लुक्स काफी इंडियनाइज्ड है, जिस वजह से इस गेम के करेक्टर्स और स्टोरी प्लॉट भी कनेक्टेड लग रहे हैं। अभी वैसे हमें फंक्शनल आर्ट्स देखने को नहीं मिली है, बट इन सब पे भी काम चल रहा है। और इसके गेम प्ले रिवील में आपने देखा ही होगा कि उन करेक्टर्स की जगह येलो 3D मॉडल्स प्लेस थे, बट इनके मूवमेंट्स वर्किंग थे। वो गेम प्ले थोड़े टाइम पहले का था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब गेम के करेक्टर्स पे काम हो रहा होगा। अब ये तो कॉमन बात है कि अगर गेम का नाम मुंबई गलीज है तो ये गेम ऑब्वियसली मुंबई पर ही बेस्ड है। बट सिंस मुंबई एक रियल लाइफ सिटी है और इसमें बहुत सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको एज इट इज तो नहीं दिखा सकते। तो गेम में आपको फिक्शनल मुंबई देखने को मिलेगी, जो कि रियल लाइफ मुंबई से बहुत ज्यादा सिमिलर होगी। फॉर एग्जाम्पल GTA 5 का मैप साउथ कैलिफोर्निया की फिक्शनल एडाप्टेशन है, जिस वजह से रियल लाइफ लॉस एंजलिस के थोड़ा सा ट्वीक करके GTA मैप में लॉस एंजलिस का नाम दिया जाता है। और इसमें हमें वैसे ही मुंबई वाले एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहां के एनवायरमेंट, एरिया, बिल्डिंग्स भी कुछ हद तक सेम हो सकती है, और इवन वहां के व्हीकल्स यहाँ पे शॉप्स भी वैसे ही होने वाले। बस ये सब एक पैरोडिकल फॉर्म में होगा, मतलब कि इनके नाम और लोगोस में थोड़ा डिफरेंस होगा। स्टिल गेम यॉन स्टूडियोज का एम है कि वो इसको मुंबई से जितना रिजेंबल कर सकते हैं उतना करेंगे, और इसके लिए निखिल मालंकर ने एक और रिवेलेशन किया था कि इस गेम का मैप अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर का होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इनसेन है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि मुंबई गलीज का कुछ टाइम पहले मैप भी लीक हुआ था, बट काफी लोगों ने इसको फेक बता दिया था, बट अब गेम यॉन स्टूडियोज के सीईओ ने खुद ही कंफर्म कर दिया था कि हाँ ये ही रियल मैप है। ऑल्दो अभी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वो बस एक आउटर लाइन है, उसमें अभी अंदर क्या होने वाले वो कुछ रिवील नहीं किया गया। गेम में एक्सेसिबल इंटीरियर्स भी बिल्कुल होने वाले हैं, बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप किसी भी घर या फिर बिल्डिंग में एंटर कर पाओगे, नहीं इतना तो नहीं होगा। और यार ऐसा अभी तक किसी भी गेम में हुआ भी नहीं है कि आप जो मन चाहे उस बिल्डिंग में एंटर कर पाओ। मुंबई गलीज में एक और इंटरेस्टिंग फीचर करेक्टर कस्टमाइजेशन भी आने वाला है, बट गेम में आप ज्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं कर सकते, बट बेसिक कस्टमाइजेशन जैसे क्लोथ चेंज करना, हेयर स्टाइल चेंज करना, ये सब आप डेफिनेटली कर पाओगे। बट कस्टमाइजेशन जैसे कि बॉडी काउंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब कस्टमाइजेशन फिलहाल गेम के लिए नहीं आएंगी। आई बिलीव कि गेम में व्हीकल कस्टमाइजेशन भी हो सकती है। फिलहाल तो इनके बारे में निखिल ने कुछ नहीं बताया है, पर क्या पता फाइनल गेम में हमें और भी कस्टमाइजेशन करने को मिले। आप मुंबई गलीज में किस किस टाइप की कस्टमाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे बताना कमेंट्स में। मुंबई गलीज की डेवलपमेंट होते हुए कुछ टाइम हो गया है, और इसको 2020 में IGDC इवेंट में अनाउंस किया गया था, और रिसेंटली हमें अनरियल इंजन 5 का डेमो भी देखने को मिला था। तो इसकी वजह से काफी सारे लोग निखिल मालंकर से पूछने लग गए थे कि भाई मुंबई गलीज अनरियल इंजन 5 पे बनाओगे या फिर नहीं। तो इसके लिए उन्होंने सीधा सा आंसर दिया था कि नहीं, मुंबई गलीज का पहला पार्ट को अनरियल इंजन 4 पे ही बनाया जा रहा है। और ये बात ठीक भी है, वैसे गेम के डेवलपमेंट में काफी टाइम हो गया है, एंड अनरियल इंजन 5 इसके बीच में अनाउंस हुआ है, तो ऐसे में अगर वो अपनी पूरी डेवलपमेंट को इस पे शिफ्ट करेंगे तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। ऊपर से अनरियल इंजन 5 अभी है, तो उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए अभी के लिए तो गेम के फर्स्ट पार्ट को अनरियल इंजन 4 पे ही कंटिन्यू किया जाएगा। बट सिंस मुंबई गलीज के दो पार्ट होने वाले हैं, तो निखिल ने ये भी बोला है कि हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट की डेवलपमेंट के लिए हम अनरियल इंजन 5 को कंसिडर करें। और यार जिनको नहीं पता, मुंबई गलीज एक्चुअल में दो पार्ट में आने वाला है,
फर्स्टली इसका प्रोलॉग और सेकंडली इसका फाइनल चैप्टर। इनके रिलीज डेट्स मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये गेम किसके लिए टारगेटेड है। तो भाई मुंबई गलीज एक ओपन वर्ल्ड गेम होगा और इसकी टारगेट ऑडियंस भी वही लोग हैं जो ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना पसंद करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ओपन वर्ल्ड गेम्स ही हैं या फिर मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं। और गेम का एक्सपेंशन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है बल्कि ग्लोबल लेवल के लिए प्लान्ड है। तो मतलब सिर्फ हम इंडिया से जो जो गेम खेलना पसंद करते हैं उनको नहीं मिलेगा, इस गेम को वर्ल्ड में और जगह भी रिलीज किया जाएगा। और इसके लिए गेम यौन स्टूडियोज ने काफी बड़े बड़े पब्लिशर्स को भी अप्रोच करना शुरू कर दिया है और ये पब्लिशर्स वर्ल्ड वाइड लेवल पे टॉप 10 में भी आते हैं। मतलब कि मुंबई गलीज के लिए काफी बड़ा एक्सपेंशन और रीच प्लान्ड है जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। और अगर रिलीज डेट्स की बात करें तो इस गेम के प्रोलॉग का रिलीज 2022 के एंड में प्लान्ड है जो कि कुछ टाइम में आने ही वाला है और इसका फाइनल चैप्टर 2025 के लिए प्लान्ड है जिसमें अभी काफी टाइम है। अभी प्रोलॉग के लिए एग्जैक्ट डेट या फिर मंथ तो रिवील नहीं किया गया बट जब गेम की डेवलपमेंट फाइनल स्टेजेस पे होगी तब आपको इसके अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। गेम में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी रिवील हुए। मुंबई सिटी की एक सबसे नोटिसेबल चीज है यहाँ का ट्रेन सिस्टम और उसमें भी मुंबई लोकल। और मजे की बात यह है कि मुंबई गलीज में भी एक फुल फ्लेज्ड ट्रेन सिस्टम होगा जिसमें आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए बोर्ड भी कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि ओपन वर्ल्ड गेम्स में एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होना ही चाहिए जिसमें आपको खुद ड्राइव ना करना पड़े, बस आप एक सीट में बैठे हो और गेम के सीनिक व्यू को एंजॉय कर रहे हो। सच में मजा ही आ जाता है। गेम में एक और यूजफुल फीचर आने वाला है और वो ये है कि इस गेम में आपके पास एक मोबाइल फोन भी होगा जिसको आप गेम में काफी तरह से यूज कर पाओगे। ओपन वर्ल्ड गेम्स में मोबाइल फोन होना काफी इंपॉर्टेंट भी हो गया है क्योंकि इससे गेम में काफी फीचर्स ऐड हो जाते हैं और इससे गेम में एक्सेसिबिलिटी भी आसान हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मुंबई गलीज में आप सब कुछ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में कंट्रोल करोगे जो कि अगेन एक सही चीज है, बट अगर इसमें FPV मोड का टॉगल भी आ जाए तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। मुझे पता है आप सब गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए वेट कर रहे हो बट स्टिल अभी गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रिवील नहीं हुई है। और यार इसका एक बेसिक सा रीजन है, गेम अभी रेडी टू लॉन्च नहीं है। गेम जैसे ही रेडी टू लॉन्च हो जाएगा आई बिलीव कि उसी टाइम इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी रिवील कर दी जाएंगी। तो गाइस यही सब थी वो इन्फॉर्मेशन जो कि अब तक मुंबई गली से रिलेटेड पता चली है। गेम की हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है और आई एम श्योर कि ये गेम इस हाइप के वर्थ निकलेगा। आप मुंबई गली से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझे बताना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, आज का टारगेट है 3000 लाइक्स एंड साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि गेम्स गॉसिप पे आपको मिलता रहेगा बहुत ही क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।